इसराइल का टारगेट नंबर एक, इसराइल का टारगेट नंबर दो, इसराइल का टारगेट नंबर थी। गाजा में हमास के खिलाफ शुरू हुई जंग का विस्तार अब हिजबुल्ला तक हो गया है। हिजबुल्ला और हमास के साथ ईरान दीवार की तरह खड़ा है और इजराइल का दुश्मन नंबर वन बना हुआ है। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम चला रहा है। हमास के गोदाम ईरान के हथियारों से भरे पड़े हैं, वहीं हिजबुल्ला का बैकबोन भी ईरान है। हमास, हिजबुल्ला और ईरान की तिकड़ी इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल का दावा है कि वो इस तिकड़ी को तोड़ कर दम लेगा। הוא התגעגע למלחמת לבנון השנייה, הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נקה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש. हमास पर रोज बारूद बरसा रहे इजराइल ने अब हिजबुल्ला के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि इजराइल ने कसम खाई है अगर हिजबुल्ला हमास के साथ शामिल हुआ तो वो ईरान पर हमला करेगा और ईरान का फन कुचल कर ही मानेगा। सवाल है, क्या हिजबुल्ला के कई कैंपों पर इजराइल का हवाई हमला? यह हिजबुल्ला के कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का विजुअल है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के एक ऐसे कैंप पर बारूद बरसाकर खाक में बदल दिया है जहां से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला होने वाला था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, टारगेट भी सेट थे, लेकिन फायर बटन के दबने से पहले हिजबुल्ला के उस कैंप पर आसमान से बारूद का पहाड़ टूट पड़ा। कैमरा वन, कैमरा टू, कैमरा थ्री, कैमरा फोर, कैमरा फाइव। इजराइल के हवाई हमले के बाद हिजबुल्ला के उस कैंप का क्या हाल हुआ, इसे देखने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। हिजबुल्ला का पहला ठिकाना तबाह, हिजबुल्ला का दूसरा ठिकाना तबाह, हिजबुल्ला का तीसरा ठिकाना तबाह, इजराइल की सेना का दावा है कि उसने लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के उन ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है जहां से इजराइल पर हमला करने की तैयारी थी। दक्षिणी लेबनन इलाके में बने हिजबुल्ला के इन ठिकानों पर एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर रखे हुए थे और सभी लॉन्चरों का मुंह इजराइल की तरफ था। אני לא יודע עכשיו, כשאני נמצא איתכם, אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם חיזבאללה יחליט להיכנס בצורה מלאה למלחמה. IDF का कहना है कि लेबनन से इजराइल की ओर आ रहे एक ड्रोन भी रास्ते में ही मार दिया गया है। इजराइल ने यह काम अपने असरदार आयरन डोम से किया है। हिजबुल्ला इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है, वो बार बार इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट से हमले कर रहा है। हिजबुल्ला के उप नेता शेख नईम कासिम की तरफ से बहुत ही खतरनाक बयान सामने आया है। सुना आपने, हिजबुल्ला के उपनेता शेख नईम कासिम का कहना है कि इजराइल और हमास के युद्ध में हिजबुल्ला की अहम भूमिका है। अगर जमीनी युद्ध छिड़ा तो हिजबुल्ला ही असली जंग लड़ेगा। ग्राउंड अटैक की इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी।
हिजबुल्ला के उपनेता शेख नईम कासिम का ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल पर हिजबुल्ला के कैंपों से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही थी। जवाब में दक्षिणी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के कैंपों को इसराइल हवाई हमले कर मिट्टी में मिला रहा है। इसराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव चरम पर है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्ला भी इस युद्ध में अभी छोटी छोटी झड़पें हो रही हैं शामिल हो गया, और लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल ने अपना फ्रंट यहां से खोला हुआ है। ये उत्तरी फ्रंट है जहां लेबनान और हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की सेना है। दक्षिणी फ्रंट जहां हमास के खिलाफ गाजा में इसराइल हमला कर रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर 360 डिग्री से एक बार दिखा दीजिए करम, किस तरह के लोकेशन पे है ये। लोकेशन यहाँ ऊंचा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ मीटर आगे जाएंगे तो वहां से लेबनान का लोकेशन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली वो क्योंकि ऊंचाई पे है, हमें जो जानकारी जितना हमने जाना है। लेकिन इजराइल की सेना जो है वो यहाँ तैनात है ताकि अगर पूरी तरह से नॉर्दर्न फ्रंट खुल जाता है तो यहाँ भी वो लड़ाई कर सके। और बार बार इजराइल की सेना की तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर हिजबुल्ला बहुत ज्यादा मिसाइल से हमले करता है तो इसराइल भी पुरजोर जवाब देगा। अब तक कुल 10 आतंकवादियों की मौत हो गई है हमले में, लेकिन हिजबुल्ला की तरफ से जो रॉकेट दागे गए हैं उसमें इजरायली नागरिकों की भी कुछ जान गई है। इसराइल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने एक बयान में हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और ईरान तक को सीधी धमकी दी है। हिजबुल्ला अपने जिन जिन ठिकानों से हमला करेगा उसे इसराइल की सेना नेस्तो नाबूद करा देगी। इसराइल के वित्त मंत्री यहाँ तक बोल गए कि हिजबुल्ला अगर हमास के साथ मिलकर युद्ध शुरू कर दिया तो हमास और हिजबुल्ला के साथ इन दोनों के आका ईरान तक जाएंगे। इसराइल के वित्त मंत्री निर बरकत ने अपने बयान में कहा है कि हम सिर्फ उन मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि हम सांप के सिर तक जाएंगे जो कि ईरान है। इसराइल के दुश्मनों को बहुत स्पष्ट संदेश है, देखिए गाजा में क्या हो रहा है, अगर आप हम पर हमला करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। इसराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास के साथ खड़ा है, हिजबुल्ला ने भी हमास का समर्थन किया है। ऐसे में अगर गाजा से इसराइल की जंग और आगे बढ़ती है तो इसके तेहरान तक पहुँचने में भी देर नहीं लगेगी। ऐसे में अगर इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है दोनों देशों के पास हथियारों से भरा हुआ गोदाम, एक से एक बढ़कर खतरनाक मिसाइलें हैं दोनों के पास में। हम आंकड़े दिखाते हैं और तुलना करके आपको बताते हैं ईरान के पास में कितने सक्रिय सैनिक और इसराइल के पास में। इसराइल के पास में सक्रिय सैनिक की संख्या है 1,73,000, वहीं ईरान के पास ये संख्या बड़ी है, 5,75,000 उसके पास सक्रिय सैनिक है। इसके आगे बढ़ते हैं और आगे के आंकड़े भी आपको रिजर्व सेना के बताते हैं। रिजर्व फोर्स ईरान के पास है 3.5 लाख, वहीं अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो यह आंकड़ा है 4,65,000। यह रिजर्व फोर्स का आंकड़ा है इसराइल और ईरान के बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, हम बताते हैं कुछ और आंकड़े आपको पैरामिलिट्री फोर्स के। तो इसराइल के पास है 8,000, वहीं ईरान के पास में यह आंकड़ा बड़ा है, 90,000 पैरामिलिट्री फोर्स है उनके पास में। इसके आगे ईरान के पास में लड़ाकू विमान कितने हैं, 196, और इसके साथ ही इसराइल के पास में 241 लड़ाकू विमान है। आंकड़े आप देखिए और आंकड़ों के जरिए समझिए दोनों के बीच में अगर कभी लड़ाई होती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। अटैक हेलीकॉप्टर इसराइल के पास है 48, वहीं ईरान के पास में है 12 अटैक हेलीकॉप्टर। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में इसराइल आगे है ईरान से क्योंकि इसके पास 48 और ईरान के पास में 12। ये ग्लोबल फायर पावर का आंकड़ा आप देख रहे हैं कि कितने किसके पास वेपन्स हैं। ईरान के पास में टैंक है 4,071, वहीं इसराइल के पास में ये संख्या है 2,200। तो ये टैंक का कंपैरिजन है दोनों के बीच में। ईरान और इसराइल भी इस वक्त जंग के मुआने पर खड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। और क्या आंकड़े कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास है 69,685, वहीं अगर इसराइल की बात कर रहे हैं 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां इसराइल के पास में है। तो अभी गाजा और इसराइल के बीच में जंग हो रही है, लेकिन ये कभी भी ईरान और इसराइल के बीच में जंग का मोड भी ले सकती है। और ऐसे में कौन है किस पर भारी, आंकड़े क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। हाल ही में ईरान ने एक खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 का टेस्ट कर बता दिया है कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज
2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं अमेरिका मिडल ईस्ट में इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। इस जंग में अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ दे रहा है और इसी साथ के चलते ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं। कहां कहां हैं, कितने सैनिक तैनात हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिका के सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं। कहां कहां? कुवैत में, यहां पर देखिए अपना अड्डा बनाया हुआ है अमेरिका ने, यहां सैनिक अपने तैनात कर दिए हैं। बहरीन में भी यहां अड्डा बनाया अमेरिका ने, अपने सैनिकों को यहां तैनात कर दिया है। इसी के साथ में सऊदी अरब में के पास में यहां ओमान में भी देखिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया, यहां अड्डा बनाया। यूएई में भी यहां पर इधर की तरफ से भी घेरा हुआ है और यहां पर भी अड्डा बनाया। कतर में भी इसी तरीके से घेरा बनाते हुए यहां सैनिकों को तैनात कर दिया है। कहां कहां कितने सैनिक तैनात किए हैं, कितने अड्डे बनाए हैं अमेरिका ने, यह भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। कुवैत में 10 बेस बनाए अमेरिका ने और यहां अपने 13,000 सैनिकों को तैनात करके ये घेराबंदी कुवैत की ओर से की गई है अमेरिका की ओर से। इससे आगे बढ़ते हैं बहरीन में, तो 12 बेस अमेरिका ने यहां पर बनाए और यहां अपने 3700 सैनिकों को तैनात करके इजराइल को बड़ी मदद देने का काम किया है। इससे आगे अगर आप बढ़ते हैं सऊदी अरब में 10 बेस बनाए और 3,000 सैनिकों को यहां अमेरिका ने तैनात कर दिया। ये देखिए हर तरफ से अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को बड़ी मदद पहुंचा रहा है। ओमान में भी 6 बेस उसने बनाए और 600 सैनिकों को अपने यहां पर तैनात कर दिया है। ये तैनाती अमेरिका की ओर से की गई है कि अपने सैनिकों को यहां तैनात करेगा और यहां से बड़ी मदद पहुंचाएगा वो इसराइल को, ताकि ईरान को इस तरफ से घेरा जा सके और यहां से घेरते हुए वो इसराइल की मदद करे, क्योंकि ईरान किस तरीके से इसराइल के खिलाफ खड़ा है ये हम सब देख रहे हैं। 13,000 अमेरिकी सैनिक यहां रखे गए हैं, यूएई में 3 बेस बना दिए गए, 5,000 सैनिक यहां रखे गए हैं, कतर में ये बड़ा अड्डा बना हुआ है। सबसे बड़ा अड्डा अगर कहीं बनाया है तो वो कतर में बनाया गया और 13,000 सैनिक यहां तैनात कर दिए गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है और इसी के चलते अमेरिका ने यहां बनाया है अपना अड्डा, ताकि वो अपने मित्र देश इजराइल की मदद कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की फौज जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मारकर समतल कर रही है, इसने ईरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। हिजबुल्ला की नींद उड़ गई है, लेकिन अगर जंग ईरान तक पहुंच गई तो अमेरिका को युद्ध में खुलकर आना पड़ेगा। अगर जंग का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमास और इसराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध ईरान और अमेरिका के भिड़ंत में बदल सकता है, जो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज साबित हो सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमास से हमदर्दी ईरान के लिए सरदर्द होने वाली है।